पास किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ एक छत की जरूरत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दोगुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था, वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं, हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा।